सेना के एक जवान के अंतिम संस्कार में नेताओं और अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात जवान जीतू सिंह की असम में दो दिन पहले एक सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद उनका शव जब अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव पहुंचा तो वहां किसी नेता और अधिकारी के नहीं पहुंचने पर गांव वाले भड़क गए। गुस्साए लोगों ने सड़क पर पत्थर और पेड़ की डालियां रखकर वहां जैम लगा दी और हाथों में तिरंगा लेकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अंतिम संस्कार में नेताओं और अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई और जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग भी की। हमारी मांग ये, पहले तो हमें ये नेता चाहिए और हमारे भाई को शहीद का दर्जा चाहिए। गांव वालों के हंगामे की वजह से वहां लंबा जाम लग गया और लोगों को वहां से गुजरने में दिक्कत होने लगी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। दिल्ली में एक आदमी ने 1 लाख रुपए की लूटपाट की, पुलिस से शिकायत की, लेकिन लुटेरों के पास से 70 लाख रुपए मिलने से पुलिस भी हैरत में पड़ गई, क्योंकि पीड़ित ने अपने साथ हुई लूटपाट की शिकायत में पुलिस को सिर्फ 1 लाख की बात बताई थी। और जब पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही लुटेरों को पकड़ लिया तो उनके पास से न केवल 70 लाख रुपए बल्कि कुछ विदेशी करेंसी और गहने मिले। पुलिस अब पीड़ित से ये जानने में जुटी है कि आखिर उसने लूट की असली रकम क्यों छुपाई। 70 लाख रुपए जब उनके पास थी, जो एक फैक्ट है और जो उन्होंने बाद में भी एक्सेप्ट किया है कि किस वजह से उन्होंने ये अंडर रिपोर्टिंग की। जम्मू कश्मीर में सेब के कारोबार से जुड़े लोगों पर आतंकियों के हमले से सेब कारोबारी दहशत में। आतंकियों ने पिछले 2 दिन में राजस्थान के एक ड्राइवर और पंजाब के एक सेब कारोबारी की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने शोपियां के कई इलाकों में इन हमलों को अंजाम देने वाले आतंकियों की तस्वीरों वाले पोस्टर लगा दिए। पुलिस ने लोगों से इन आतंकियों के बारे में कोई जानकारी मिलने पर उन्हें बताने की अपील की। कारोबारियों के पर हमले से दूसरे प्रदेशों से सेब खरीदने जम्मू कश्मीर पहुंचे लोग दहशत की वजह से जल्द लौटने की कोशिश में जुट गए। क्या हालत ठीक नहीं है, हम निकल रहे हैं, बाहर से आए, हमारा क्या कसूर है, हम काम कर नहीं सकते यहां। कारोबारियों पर आतंकी हमलों का जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विरोध किया। सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि पाकिस्तान इन हमलों के जरिए जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश में, और सिर्फ पाकिस्तान के इशारे पे हो रहा अफरा तफरी पैदा करने के लिए, और उनको ये सोच लेना चाहिए कि अब वी आर आफ्टर देम, विल फिनिश देम।